चंद्रमा से कभी बातचीत नहीं हुई, कभी भेंट नहीं होगी जीवन में, लेकिन फिर भी उससे इतना प्रेम है कि उसी को देखता रहता है चकोर। और चकोर जानता है कि चंद्रमा हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो तो उगता है संसार को प्रकाश देने के लिए, अपने लिख पर चलता है, अपने रास्ते पर। परंतु चकोर जितने भी हैं संसार में, वे सभी उसी पर देखते रहते हैं। इसी तरह से हम कृष्ण चंद्र से प्रेम कर रहे हैं, चाहे वे हमसे बोलें ना बोलें, पत्र भेजें ना भेजें, हमें दर्शन न दें, विरह की ज्वाला में सताएं जलाएं, लेकिन फिर भी हमारे प्रियतम वही। जथा तथा वा विदधा तो लंपटो मत प्राणनाथ सुसैव नाम। कृष्ण की जो इच्छा हो करें, वे हमें दर्शन न दे करके दुख में डालें, या हमारे सामने हमको दिखा करके किसी स्त्री से वे विहार करें, चंद्रावली आदि से, उनकी जो इच्छा हो करो। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं तो अपने पैरों की ठोकर से मुझे मार दें या आलिंगन करें, जथा तथा वा विदधा तो लंपटो, जो उनकी इच्छा हो करें, लेकिन मत प्राण नाथस्त स एव ना करो। हमारे प्राणनाथ तो वही हैं, दूसरा कोई नहीं। इसको प्रेम कहते हैं। तो राधा रानी एक प्रकार से इन पक्षियों को और पशुओं को अपना गुरु मान रही हैं। चकोर को, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीते, शशिजोवत जुग बीते, जुग बीत जाता है लेकिन चकोर कभी प्रेम छोड़ता नहीं। कोटि पतंग ज्योति बपुजारे भय न प्रेम घटरीते। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे फतिंगे होते हैं, बरसात के दिन में देखा जाता है दीपक के ज्योति पर या आग की लपट पर वो आते हैं, उसे प्रेम करते हैं, कभी कभी तड़प करके मर जाते हैं। वो निकट आते हैं, आग उन्हें जलाती है, आग की लपट में पंख झुलस जाता है, छटपटा करके गिरते हैं, फिर भी उसी के निकट जाना चाहते हैं। एक बार एक फतिंगे को आग की लपट का अनुभव हो चुका है कि अग्नि जलाता है, लेकिन फिर भी उड़ करके फिर आता है उसे। करोड़ों करोड़ों फतिंगे अग्नि में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम रत्ती भर भी घटा नहीं है। भय न प्रेम घट रही, तो उनका प्रेम का घड़ा खाली नहीं हुआ। जो जलता है फतिंगा, जलते हुए भी फिर उसी पर जाता है, अग्नि पर, कभी मुख नहीं मोड़ा। उसको इतना प्रेम है दीप शिखा से और अग्नि की लपट से, भले पंख जले मरे, लेकिन और आज तक करोड़ों करोड़ों असंख्य फतिंगे अग्नि में अपना जीवन जला, देह जला चुके हैं। क्या ये फतिंगे प्रचार नहीं करते हैं कि अग्नि बहुत जलाने वाला है और हमारे वंश का जो भी पुत्र है या पत्नी है सब बचे रहो, आग के पास मत जाओ? क्या वो सूचना नहीं देते होंगे? सूचना देते हैं, चींटी भी सूचना देती है। अगर उसको कहीं चीनी मिल जाए तो और चींटियों को बता देती है। तो लाइन में पूरा ट्रांसपोर्टेशन करती घटती रहती है। एक चींटी को अगर थोड़ा सा मिल जाए मीठा, हमने तो अपने वृंदावन रूम में देखा है, एक चींटी को अगर कहीं कोई पेड़ा का अंश मिल गया, चाहे कोई मीठा का, तो बस 2-3 मिनट के अंदर ही लाइन लग जाती है। तो क्या फतिंगे नहीं बताते होंगे कि अरे नहीं नहीं, ये जलन होता है, यहाँ मत जाओ मत जाओ, कुछ भी हो जलन हो, अपने परिवार को भी सावधान नहीं किए, सब जलते रहते हैं, आज तक जलना जारी ही रहता है। तो प्रेम सीखना हो तो फतिंगे से सीखना चाहिए। तो राधा रानी कहते हैं कि कोटि पतंग ज्योति बपुजारे,
करोड़ों पतंग ज्योति में ज्वाला में अपने शरीर को जला दिए हैं, पर भय न प्रेम घट रीते। उनका प्रेम का घड़ा बर्तन खाली नहीं हुआ, प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। श्री गोपीजन कहते हैं, अबलों नहीं बिसरी वे बातें संग जो करी ब्रजराज। अब तक हमें वो सब बातें नहीं बिसरी हैं जो प्रियतम श्याम सुंदर ने हमारे लिए किया है। इन नहीं उपकार करने वाले लोगों से भी प्रेम बना हुआ है, इन जीवों का, तो हमारा तो उन्होंने बहुत हित किया है। यदि वे गोवर्धन धारण नहीं किए होते तो हम सब मर गए होते। दामानल से हमको नहीं बचाए होंगे तो हम सबको जलना था, काली के विष से मरना था। लेकिन जो उन्होंने किया हम उसको नहीं भूल सके हैं। अबलो नहीं बिसरी वे बातें संग जो करी ब्रजराज। हमसे जो उन्होंने एकांत में बातें किया वो बातें भूल नहीं पाई है हमें। वो जेल के तेव याद हैं, उनकी लीलाएं याद है। सुन उधो हम सूर श्याम को छाड़ देह के ही काज। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हम किस लिए किसी को छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। हम तो विवेकवती हैं, हम मानवी हैं, हम श्री कृष्ण के किए गए उपकार को जानते हैं, हम कैसे छोड़ सकती हैं। जब पतंग नहीं छोड़ता है अग्नि को, चकोर नहीं छोड़ता है चंद्रमा को, और हरिण नहीं छोड़ता है गीत के रस को, मछली पानी से प्रेम नहीं छोड़ती है, चातक स्वाति नक्षत्र से प्रेम नहीं छोड़ता है, हम किस लिए छोड़ दें। तुम सीधे यहाँ से मथुरा जाओ, अरे पत्र सत्र यहाँ दिखाओ मत, हमको सुखी करने का प्रयास मत करो, हम पूर्ण सुखी हैं, हम ऐसे ही रोएंगी ब्रज में रहेंगी, हमारे लिए यही सुख है। छोह करके आकर के ज्ञान दे रहे हो, इस ज्ञान की गठरी ले जाओ, यहाँ कोई नहीं लेगा, कोई नहीं फूटने वाला है कोई ये पंथ छोड़ करके तुम्हारे पंथ में चला जाए। हाँ, ये तुम्हारा सौदा काशी में बिक सकता है, ये भी गोपियों ने कहा है। वहाँ निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी सब भरे पड़े हैं, तो वहाँ पर कुछ तुम्हारा मटेरी खाली हो जाए, गठरी खाली हो जाएगा, वहाँ बेच सकते हो। इस ब्रजमंडल में तुम्हारे ज्ञान की बिक्री नहीं होगी। उर्मे माखन चोर गड़े, और निकल वही रहे हैं, माखन चोर उर में गड़ गए। इस पद को गा लिया जाए, सब जल तजे प्रेम के नाते।
सब जल तज, सब जल में गंगा जल भी शामिल है। चातक स्वाति नक्षत्र के मेघ से प्रेम करने के कारण सारा जल छोड़ दिया। जल कितना जरूरी है, लेकिन सालों भर जल नहीं पीना, बल्कि कई साल स्वाति नक्षत्र में कभी कभी बादल वर्षा नहीं करता है तो प्यासा ही रह जाता है। ये है प्रेम। तो श्री राधा रानी ये कह रही हैं उद्धव जी से कि जब ये निकृष्ट जीव, पशु पक्षी कीट पतंग, ये इतना प्रेम का निर्वाह करते हैं तो हम किस लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना छोड़ दें। उद्धव जी वास्तव में उनसे प्रेम छुड़ाने के लिए नहीं आए थे। श्याम सुंदर ने भेजा था कि उनको सांत्वना देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक कह देना कि हम हृदय में हमारा ध्यान करें। तो ध्यान वास्तव में निर्विशेष निराकार का करने के लिए नहीं कहा गया था, हमारा ध्यान करें। मुझे जिस प्रकार देखती थी, मैं बांसुरी बजाता हूँ, रासलीला किया हूँ, हमारी जो भी मुद्रा है, हाव भाव है, रूप है, इसी का ध्यान करें। और तब तक मैं कुछ दिन मथुरा में रह करके अपने गांव आऊँगा ही, अपने घर रहूँगा ही, यही बात तो कहे थे। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त कवि हैं, वे लोग इस छोटी सी बात को ले गए कि उद्धव आकर के निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। इतना खिंचाई किया है कवियों ने इस पंथ का, ये ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, हद कर दिया है। जो उद्धव जी कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, तो ठीक है, ध्यान करने के लिए ही कहे, लेकिन ध्यान करना इनके लिए कठिन है। आँख से जिसने देखा है कृष्ण को, ध्यान से कैसे संतोष कर सकते हैं। और ध्यान में तो उस समय के लोग नहीं, लेकिन इस समय के लोग ध्यान में ज़्यादातर अंधकार ही देखते हैं, कुछ देखते नहीं हैं। वह वास्तव में ध्यान का एक नाटक करके बैठ जाते हैं और पूछा जी क्या देख रहे हो, कुछ भी नहीं। अगर दुकान में दिन भर बैठे हैं तो ध्यान में भी सौदा बेचेंगे। हाँ, और यदि खेती कर रहे हैं, दौनी कर रहे हैं, तो कहीं ध्यान में बैठिए तो ध्यान में क्या बैठेंगे। ध्यान में आंख बंद करके ट्रैक्टर कैसे चल रहा है, कैसे बोझा निकाल रहे हैं, पुआल कैसे निकाल रहे हैं, यही देखेंगे। अतः कृष्ण का यदि ध्यान करना है तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, तो वो व्यक्ति ध्यान कर सकता है। लेकिन ज़्यादा लोग तो कुछ भी नहीं देखते हैं। और कहीं कहीं मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो बैठाते हैं, सावधान, सामूहिक ध्यान कराते हैं। तो और लोग तो देखते हो कैसे बैठ रहा है, आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए, तो उसमें से प्रायः लोग देखते रहते हैं कि वो कैसे कर रहा है। और तो आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान कीजिए, क्या ध्यान कीजिए इसका प्रवचन नहीं होता है। जिस लगता है कि सब पहुँचे हुए सन्यासी हैं, परिव्राजक हैं और बद्रिकाश्रम में पढ़ करके सब आए हैं, ध्यान करो। ध्यान क्या खाक करेगा, जो देखा है सुना है उसी का ध्यान करेगा ना। तुम बताते नहीं हो क्या ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है भगवान के अंग को देखना, उनकी लीलाओं को देखना, उनके मुस्कान को, चाल को, इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन इस समय आज के युग में ध्यान का अर्थ बस सुनने में, कुछ सोचना नहीं, सोचना ही नहीं, सोचोगे नहीं तो ध्यान क्या है। और कुछ लोग तो ऐसे बता देते हैं कि ज्योति देखो, डिवाइन लाइट,
डिवाइन लाइट कहते हैं। तो जब ज्योति ही देखना है तो 1-2 हज़ार वाट का बॉल जला करके डायरेक्ट देखा जाए वही ठीक है। ज्योति देखना है तो ये हम देख करके अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो इसका ज़्यादा ध्यान आएगा, है ना। आँख से देखे इसके बाद ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हृदय में लाइट जल रही है, लेकिन इस लाइट का ध्यान किया जाए शास्त्र कहीं नहीं कहा है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, योगी लोग भक्त लोग ध्यानावस्थित चित्त में भगवान को देखते हैं, उनके सुंदर चरण कमल से प्रारंभ करते हैं, नख का ध्यान करते हैं, अंगुलियों का ध्यान करते हैं, अंगुलियों में अंगूठियां हैं उसका ध्यान करते हैं, और लाल लाल चरण तल है उसका ध्यान करते हैं, और फिर ऊपर बढ़ते हैं भगवान के घुटने का ध्यान करते हैं चरण कमल का, और इसके बाद भगवान पीताम्बर पहने हैं करधनी सुंदर पीताम्बर, भगवान के सुंदर उदर का ध्यान, वक्षस्थल का ध्यान, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि लगाए हैं, इसके बाद भगवान के गर्दन का ध्यान, आँख का ध्यान, और मुख रो रहे हैं कि हंस रहे हैं इसका ध्यान। एक बार एक व्यक्ति हमको कहा कि गुरु का ध्यान करो, तो मैं दीक्षा लिया था जब पढ़ता था हाई स्कूल में रेड़िया, तो वहीं पर दीक्षा हुई थी, तो मैं तो वही भगवान कृष्ण का फोटो रखा था वही देखता था, अगरबत्ती दिखाता था, ध्यान भी उसी का करता था। तो एक चेला था मुख्य चेला एक सन्यासी का, तो कहे तुम ध्यान नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो हमने कहा क्या क्या ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान करना चाहिए। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है मैं ध्यान करूँगा कि गुरु जी खड़ाव लगाए हैं, गिरिया कपड़ा पहने हैं, कमंडल लिए हैं हाथ में, और खैनी खाकर पट से थूक रहे हैं, इसका भी ध्यान करना चाहिए। नहीं तो कहा तुम अश्रद्धालु हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। मैं ठीक है तुम्हारी श्रद्धा यहीं रहे, तुम्हारी श्रद्धा रहने दो भगवान कृष्ण। जब ध्यान करना है तो गुरु की लीला का भी ध्यान करना चाहिए।